इसी तरह गुजर बसर होता है इन लोग का, दिहाड़ी मजदूर करते हैं इन लोग, ईटा बनाने काम करते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के पास जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हुआ लड़का और बहुत ही ज़्यादा वीडियो बना चुका है, और वो लड़का मेरे ही गांव का है। तो अभी क्या है नहीं है उनका घर ही जाके अभी मिलते हैं। तो चलिए उसका घर पहले दोस्तों हम पहुँच गए सचित का घर। ये देखिए, इसका घर यहीं पर है, छोटा सा घर है। और यहाँ देखिए सचित भाई काम कर रहे हैं ना। हाँ, काम में अभी निकलने वाले। देखिए दोस्तों, इसी के बारे में बोल रहे थे, यही बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता दोस्तों। इसका जो वर्ड है ना, हमको बहुत ही पसंद आता और बहुत मेहनत करता। अभी जो दिहाड़ी मजदूर करता है ये, जी जी, अभी निकलने ही वाले थे, अभी ईटा बनाने, ईटा बनाने के लिए जा रहा है अभी। और इसके मम्मी पापा भी जाते हैं। हाँ, चलिए इनका छोटा सा अभी घर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इनका घर है, इसका घर है। देखिए अंजलि कभी कभी वीडियो में रहतेगा, और इसका बड़ी बहन है प्रतिमा, और इसका नाम अंजलि है। तो चलिए दोस्तों, इनका मम्मी पापा से भी मिलाते हैं जो कि अभी काम करने ही जाने वाले थे ना। हाँ, निकलने ही वाले थे। तो देखिए इनका छोटा सा घर, यहाँ पे किचन रूम है जी, खाना वाना बनता है ना यहाँ। हाँ, देखिए प्रणाम बड़ा। हाँ, तो देखिए इधर बड़ी मम्मी भी है, प्रणाम। हाँ, तो दोस्तों देखिए छोटा सा घर है इन लोग का, और किसी तरह गुजर बसर होता है इन लोग का, दिहाड़ी मजदूर करते हैं इन लोग, ईटा बनाने काम करते है का। हाँ, अभी जा ही रहे थे ना ईटा बनाने के लिए। हाँ, ये जो कुदाल थी, कुदाल निकाला। और ये देखिए बड़ी माँ भी कहीं जाने वाले थे खेत में का। हाँ, हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि इन लोग का वीडियो बहुत ही अच्छा आ रहा था। फैमिली पूरा सपोर्ट रहता है इनका। इन लोग भी जाने वाले है, देखिये ईटा बनाने के लिए जा रहे है ना। ईटा बनाने के लिए जाएंगे हम लोग, यही गुजर बसर इसी में काटते है, मजदूरी काम करते है। ईटा जो होता है गांव का ठेका लिए हैं कि ईटा पार देते हैं इन लोग ना। बनाते हैं दोनों इन लोग, बड़े पापा बड़ी मम्मी भी जाती है इन लोग। दोनों जाते हैं। तो अभी जाइएगा ना। हाँ, सब निकालें। अच्छा, और इसका एक बड़ा भाई भी है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु से हाल फिलहाल में आया। सबका जिम्मेवारी वही लेता था, वही घर चलाता था, तो उनसे भी मिलवाते हैं अभी। तो दोस्तों ये रहा, देखिए अंगद इसका नाम है। हेलो दोस्तों, और ये तमिलनाडु से आया है, एक महीना हो गया है, जो घर को यही चलाता था सब फैमिली का पूरा। देखिए जो फैमिली चलाता था यही चलाता था सब। दोस्तों सचित यही अभी वीडियो बनाता है और पूरा फैमिली के साथ बनाता है ना। हाँ, पूरा फैमिली बनाते हैं। और इसका छोटा सा चैनल है दोस्तों, सचित गंजू करके नाम करके एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल। आप लोग जाके इसको प्यार दीजिए, बहुत ही अच्छा लड़का है। क्योंकि इसका जो वर्ड है ना दोस्तों, बहुत ही हमको मतलब अच्छा लगता है। रिस्पेक्ट वाला वर्ड बोलता है एकदम, जो कि शुद्ध हिंदी में एकदम बोलता है, और कम भी पढ़ा लिखा। ये मात्र अभी 10 क्लास दिया है क्या? हाँ, 10 क्लास। और ये भी पढ़े हैं 10 क्लास तक, और घर का स्थिति खराब होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर पाए और काम करने चल गए थे, तो अभी आए हैं, और इन्हीं के वजह से भी घर पूरा चल रहा था। तो चलिए इनका अभी दिखाते हैं कहाँ पे अभी इन लोग काम करते हैं, क्योंकि ईटा बनाएंगे इन लोग अभी। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ पे भी। तो दोस्तों अभी इन लोग काम पे जा रहे थे, देखिए देखिये पानी भी दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी इनका कहाँ पे काम करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग ईंट भट्टा में पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे बनाते थे, यहाँ पे ईटा बन रहा है अभी। इधर देखिए बहुत सारे मजदूर भी यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं उधर, तो ऊपर तरफ। हाँ, बनाता ये देखिए इसी से बनता है ना। हाँ, मेरा कौन सा नाम? साचा। अरे साचा। हाँ, और नहीं तो फार्मा भी बनता है। अच्छा, ये फार्मा दोस्तों। चलिए अभी बड़े पापा दिखाएंगे बनाते कैसे। ले जाते हैं। तो ये देखिए बालू पहले मिलाया जाता है। हाँ, देखिए यहाँ ढकना पड़ता है ताकि गंदगी ना फैले, और मिट्टी थोड़ा नरम रहता है ना इसमें। हाँ, इसमें सूखता नहीं। तो अभी देखिए अभी दिखाएंगे हम लोग को अभी कैसे ईटा बनता है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोनों बाप बेटा ही काम करते हैं का। हाँ। दोस्तों
कि अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, किस तरह से बनता है तो आप लोग को दिखाते हैं। देखिए पहले मिट्टी को सानना होता अच्छा से ना। हाँ, पूरा ऐसे गोल गोल करना होता है। इस तरह से करते देखिए, ये सांचा अब मिलाए थे, इसे में इस तरह से देना है। ये देखिए दोस्तों कितना एक्सपीरियंस है इन लोग का। अभी देखिए ये ज्यादा माटी हो गया, इसमें ऐसे निकाल देते हैं। देखिए अब इसको उलाट देंगे और ईटा बन जाएगा। ये देखिए इतना खूबसूरत अभी ईटा बन गया है, और अभी तो पूरा नरम है एकदम। इसको सूखने के बाद इसको फिर एक बार कोयला से पकाया जाता है। उसके बाद एकदम पूरा ईंट बन तैयार होता है। ये देखिए दोस्तों कितना स्पीड इन लोग बना रहे हैं। आप लोग यही काम करते आते हैं ना? हाँ, यही काम करते हैं। मतलब सीजन है, ईटा का सीजन है। हाँ। और मजदूरी काम करते हैं, जब भी धान रोपाई होता है तो कुदाल उदाल बांधने। हाँ हाँ दोस्तों, इन लोग यही सब मतलब यही सब काम करके गुजारा करते हैं अपना जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पूछते हैं बड़े पापा से, अब वो कितना मजदूरी मिलता है दिन का? अभी यहाँ कितना मिलता है, गिनती के हिसाब से देता है। मतलब पर ईटा कई रुपया ऐसे? इसमें देता है 1 रुपया करके देता है। उतना बना नहीं पाते हैं, वही दोनों पापी बेटा नहीं बनाते हैं 300। देखिए दोस्तों 1 रुपया पर ईटा का कोई मूल्य नहीं, 1 रुपया में कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दिन भर में लगभग 300 ईटा बनाते हैं, तो 300 रुपया में क्या होगा इन लोग का। ये देखिए, और काफी अभी धूप हो गया, धूप में भी अभी घर जाएंगे सीधे 5 बजे ना? हाँ 5 बजे। तो दोस्तों आप लोग तो देख लें कितना मतलब मजदूरी इन लोग का मिलता है, 1 रुपया पर ईंटा, 1 रुपया में क्या होगा। इन लोग दिन भर में 300 ही ईंटा बना पाते हैं दोस्तों, तो इन लोग को बहुत ही ज्यादा प्यार सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। और ये सचित भाई जो वीडियो भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट का। तो प्लीज़ आप लोग जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकदम, और पूरा प्यार दिखाइए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत करके बना रहे हैं। और यहाँ खाना मिलता है कि घर से खा जाते हैं? नहीं, अपना खाना खाते हैं, घर जाते हैं खाना खाने के लिए। अब सुबह आते हैं 4 बजे। अच्छा, 4 बजे से मिट्टी इतना उठा लेते हैं, उसके बाद लगन रहते हैं, फिर 4 बजे 5 बजे तक फिर काम करना, मिट्टी को फिर सानना पड़ता है। और 1 बजे फिर दोपहर को घर जाते हैं कि यहीं खाना ला देते हैं? कोई नहीं, जाते हैं, अपने सामने ही घर है, जाते हैं घर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मेहनत का काम है ईंटा बनाना, और बहुत ही ज़्यादा इन लोग मेहनत भी करते हैं। और सचित भाई तो वीडियो भी बनाते हैं यही काम कर करके, कितना थकावट होता है आप लोगों को पता होगा। जो लोग यूट्यूबर होंगे उन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, और ऊपर से ये काम करके, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत करता है ये लड़का। काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे गांव से भी अब धीरे धीरे यहां गांव के लोग मतलब जागरूक हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं ये। तो दोस्तों इन लोग को अभी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है इन लोग का पापा। हाँ, ये देखिए। तो दोस्तों हम लोग को बहुत ही सपोर्ट का जरूरत है, तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे, देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इन लोग, मम्मी पापा सब, और हाँ। एक बड़ा भाई है उनका, अभी घर चलता होने की वजह से जी। तो प्लीज़ इन लोग को जाके एकदम सपोर्ट कीजिए दोस्तों, एकदम पूरा हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। काहे कि देख सकते हैं इतना कड़ी धूप में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और पता नहीं सपोर्ट आप लोग करेंगे तो हम लोग को इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर यही में हम लोग जैसे तैसे तो गुजार रहे हैं, ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को तो सब कुछ दिखा दिए कितना मेहनत करते हैं बाप बेटा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 दोस्तों।